वाकई तुम्हारी बेगम शिराजी ने दिया है? तुम मुझसे 3 मर्तबा ये सवाल कर चुकी हो, मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं इसे बेच के कोई काम की चीज ले लूंगी। ना अम्मा, ऐसा जरूर ना करना। तुम्हें नहीं पता कितना महंगा फोन है, लेटेस्ट मॉडल है। अब सोचो तुम्हारी बेटी ये फोन यूनिवर्सिटी लेके जाएगी तो क्या वाह-वाह होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बेगम ने इतना महंगा फोन दे दिया, वो भी लेटेस्ट मॉडल। तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो ना, वहाँ की फीस वो भरती है, तो फिर फोन क्या अहमियत रखता है? बहुत पैसे है उनके पास और दिल भी बहुत बड़ा है उनका। अम्मा मैं तो सोच रही हूँ काश तुम्हारी बेगम ने मेरा एडमिशन अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी में करा दी थी, फिर तो रोज मैं शान शौकत से उसकी गाड़ी में जाती और क्या रोक झाड़ती यूनिवर्सिटी में। जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रही हो ना बेटा, ये भी उनकी मेहरबानी है, वरना हम जैसे गरीब लोग उस यूनिवर्सिटी का तो सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। भाई कल तो मजा ही आ जाएगा जब मैं अपनी सहेलियों को ना ये फोन दिखाऊंगी, चल जाएंगी। मैंने कुछ तस्वीरें खींच के आती हूँ। पागल हो गई। यार आज का लेक्चर तो इतना बोरिंग था और इतना डिफरेंट और इतना डिफिकल्ट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिकर नहीं करो ना, मैं चैप्टर्स पढ़ के गई थी, मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। और नेक्स्ट वीक पेपर्स हैं, मैं क्या करूंगी, कैसे अटेम्प्ट करूंगी? एक तो ये ना बहुत टेंशन लेती है, मैं इसे कह रही हूँ मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी। तुम लोग को लेक्चर समझ आया? बिल्कुल नहीं। मैं तुम सबको समझा दूंगी। सही है। वैसे मुझे ना एक बहुत अच्छी और जरूरी चीज दिखानी तुम लोग। अच्छा रेडी हो? हाँ। बहुत जबरदस्त चीज है, दिखाओ। यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो ना कैंटीन चलते हैं, सब बाद में देखेंगे। अब इस जबरदस्त चीज को शो भी करवा दो और हमारा कितना सबर का इम्तिहान लोगी। ता-दा! मेरा नया सेल फोन, मेरा बर्थडे गिफ्ट। वाओ सो ब्यूटीफुल। यार तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ था ना? हाँ मेरी बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है, लेकिन मेरी मॉम ने ये गिफ्ट पहले ही लेके रख लिया था, वो तो इत्तेफाकन मेरी नजर पड़ गई तो मैंने ले लिया। अब मेरी मॉम को तो बहाना चाहिए ना मेरे लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए। और ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है यार। एक्सपेंसिव तो होगा, मेरी मॉम की जो चॉइस है, मेरे डैड को ना लोकल चीप चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। सो क्यूरियस। वाओ यार सो ब्यूटीफुल। पता है जब ये मॉडल लॉन्च हुआ था ना, मैंने तब से ही सोच लिया था कि मैं ये मोबाइल लूंगी अपने पॉकेट मनी बचा कर, लेकिन फिर मेरी पॉकेट मनी जमा नहीं हो सकी और मुझसे मोबाइल नहीं लिया गया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो यार, हम जैसे तो बस ऐसे ही फोन पे गुजारा कर सकते हैं। तुम्हें पता है मेरी तो यूनिवर्सिटी की फीस भी ना मेरे घर वालों को लग्जरीज में शुमार होती है। यार हम जैसे मिडिल क्लास के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही लग्जरी है ना? आप तुम लोग को पता है मेरे मॉम डैड तो चाह रहे थे कि मैं अमेरिका जाके स्टडीज करूँ, लेकिन मैंने बोला नो, मैं अपने मॉम डैड से दूर नहीं रह सकती। यार अब हर किसी की सोच तुम्हारी तरह तो नहीं होती ना, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कभी ना करती। और मैं तो पहले फुर्सत में टिकट कटा के चली जाती। ओहो तुम लोग को पता है मेरे मॉम डैड तो चाह रहे थे मैं JM में एडमिशन ले लूं, लेकिन मैंने बोला नो, एडमिशन लूंगी तो इसी यूनिवर्सिटी में। क्यों मना किया तुमने यार? तुम्हें पता है JM मुल्क की सबसे अच्छी और एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। अब मैं समझाती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी JM से कम है क्या? और अगर मैं वहाँ एडमिशन ले लेती तो तुम जैसी दोस्तें मुझे कहाँ मिलती? हाँ, ये तो है। तुम्हें पता है अबीरा, जब इंसान के पास इतना पैसा आ जाता है ना तो फिर वो अपने से कमतर लोगों को बहुत हकारत से देखता है, लेकिन तुम बिल्कुल ऐसी नहीं हो और तुम बहुत अच्छी हो यार। और मुझे भी तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। तुम लोग भी ना कितनी तारीफें करते हो मेरी, तुम लोग भी क्या याद रखोगे कि हातिम ताई जैसी दिल वाली दोस्त मिली है। और तुम्हें पता है इस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से इस वेडनेसडे मैं तुम लोग को ट्रीट दूंगी, जो खाना होगा वो मंगवाएंगे। वाओ क्या हुआ बेटा, क्यों रगड़ रही हो बैग को? शानजे बीबी ने 1 या 2 मरतबा ही इस्तेमाल किया है इसको। ये देखो ना, इस पर चाय का धब्बा पड़ गया था इसलिए तुम्हें दे दिया। वैसे अम्मा तुम्हें पता है बैग ना बहुत महंगा है, अब्बा की ना 4 महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। पता नहीं, हम गरीब जितनी भी मेहनत कर लेना अपनी हैसियत को नहीं बढ़ा सकते। देखो ना बेगम साहिबा, तुम्हें नए नए जोड़े, जूते, बैग्स
जितनी सारी चीजें होती हैं शानजी बीबी की तुम्हें दे देती हैं। और याद है वो जरकौन का हार दिया था और वो तुम्हारे लिए दिया था उन्होंने? हाँ वो शानजी की आंटी ने दिया था ना इंग्लैंड से। तुम्हें पता मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था मेरी फुप्पो ने भिजवाया है और वो भी इंग्लैंड से। और जब सबने देखा ना तो ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे कोई मैंने खजाना खोल दिया। मैंने बड़े वाह-वाह बटोरे थे। कैसे भूल सकती हूँ अम्मा मैं? बहुत दौलत है उन लोगों के पास, महंगी सी महंगी चीजें खरीद लेते हैं और एक मर्तबा इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, जिनको मैं समेटती रहती हूँ। ऐसा मैं सच बताऊं, हमारी बेगम साहिबा की वजह से ना मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत इज्जत है। सब समझते हैं मैं किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तो मेरी बेटी किसी शहजादी से कम है? जब तुम लिख पढ़ जाओगी ना बेटा तो देख लेना मैं तुम्हारी शादी किसी शहजादे से करूंगी और फिर मेरी बच्ची जो है ना बेगम साहिबा की तरह अपने घर में राज करेगी। आमीन आमीन। वैसे अम्मा एक बात बोलूं, मुझे ना कहीं से 10,000 इकट्ठे करके दे दो। 10,000 मैं कहां से लाऊंगी? भाई मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। अब बेगम साहब ऐसे बोल दो ना तुम्हें बहुत जरूरत है। पागल हो गई हो? अभी तो तुम्हारी उन्होंने फीस भरी है और मुझे मुनासिब नहीं लगता बार बार पैसे मांगना। अम्मा प्यारी अम्मा, ये तुम्हारी ना बेटी की इज्जत का सवाल है। तुम ही तो कहती हो कि वो ना पैसे उधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं और हिसाब नहीं रखते, तो तुम थोड़े से ले लो ना। इतनी दफा तुम उनके पैसे उड़ा चुकी हो, एक बार अपनी बेटी के लिए सही। नहीं ये बेटा अच्छी बात नहीं है। अगर उन्हें पता चले कि मैं उनके पर्स से पैसे लेकर आती हूँ तो कितनी बुरी बात होगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्यों 10,000? भाई मुझे चाहिए ना, अब तुमने 10,000 इकट्ठे नहीं किए ना तो बता रही हूँ ना मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूंगी। हाँ। तो तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मैंने पूरी जिंदगी इसलिए थोड़ी मेहनत की है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। तुम्हें इस बात का एहसास है? हाँ तो तुम्हें कौन सा अपनी बेटी का एहसास है? तुम्हारी बेटी की इज्जत का सवाल है। भाई मैं बता रही हूँ, अगर तुमने पैसे इकट्ठे नहीं किए ना तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, तुम्हारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा और मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी। बस सुनो तो देख लेना, ये लड़की मुझे किसी दिन मरवा देगी। बीबी जी आपकी कॉफी। हाँ रख दो वहां पे। हाँ निदा, बस मैं निकल रही हूँ, 10 मिनट में तैयार हो गई। बिल्कुल की क्या जरूरत थी? जो बच जाएगा ना अबीरा वो अपने साथ ले जाएगी। So funny, मेरे घर के मुलाजिमों के लिए भी ना अलग खाना होता है, मैं क्यों बच्चा हुआ खाना लेकर जाऊंगी? अच्छा यार मैं ले जाऊंगी। As you wish, तुम में से किसी को भी लेके जाने ले जाओ। तुम्हारी वजह है ना बहुत मजे का खाना खाने को मिल गया। कैसी दोस्त मिली, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉकेट, किसने दिया बीरा तुम्हें? ये मेरी फुप्पो ने भिजवाया लंदन से। वाओ यार तुम्हारी फुप्पो तुम्हें बहुत कीमती चीजें भिजवाती है ना, पिछले साल उन्होंने तुम्हें एक जरकोन का सेट भिजवाया था। मैं इकलौती भतीजी हूँ मैं उनकी और वो बस थे मेरे रिश्ता लेने के लिए अपने बेटे के लिए। वाओ यार लकी हो तुम तो बहुत। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे कजन?
उनका अपना बिजनेस है, बड़े पैमाने पे, उनके घर नहीं है, उनके महल है। तो कर लो ना, शादी कर लो फिर तुम। मैं क्या उस मगरूर इंसान से शादी करूँ, मैं क्या प्रिंसेस से कम हूँ क्या? वैसे ना तुम्हारा लॉकेट वाकई बहुत शानदार है। हाँ देखो डायमंड्स भी लगे हुए। वाकई में यार तो मजे के है। देखो डायमंड्स मुझे भी दिखाओ। अबीरा अबीरा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उसमें से मुझे 2,000 दे दो। मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे जरूरत है उन पैसों की। मैं तुम्हें और दे दूंगी, तुम्हारे अब्बू को शदीद जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें पैसे वापस चाहिए? वो अभी काम से वापस आए, उनको बहुत बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है उन्होंने। तुम फरजाना खाला से ले लो जाकर। अबीरा पैसे कहाँ गए? भाई खर्च कर दिए ना। क्या 10,000 खर्च कर दिए तुमने? हाँ तो 10,000 थे ना, 10,00,000 तो नहीं थे। तुम भी ना, तुम्हारी ये आदत तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी, देख लेना। माँ अच्छा जाओ उठकर अपने अबू को चाय बना कर दो, मैं फरजाना से जाकर पूछती हूँ, पड़ोसी भी क्या सोचेंगे, कुछ तो एहसास करो इस बात का। चप्पल भी गायब कर दी मैं। बगैर चप्पल के चली जाओ। से ना मेरी स्किन इफेक्ट ही हो गई है यार। हमसे पूछो इस धूप के बारे में, आदी है हम इस धूप के, रोज बस में धक्के खा के जाते हैं। गरीबी में भी ना क्या कुछ झेलना पड़ता है भाई, दाद देती हूँ तुम लोगों की। सही कह रही हो तुम, धूप तो क्या मिट्टी भी फेस पे चिपकी हुई होती है। अब तुम्हारे डैड की तरह मेरे अब्बा के पास कोई लग्जरियस गाड़ी तो है नहीं, वरना मैं भी कभी ना इस बस के धक्के ना खाऊं। तो तुम लोगों ने आज मेरी गाड़ी देख ली? यस देखी है तुम्हारी गाड़ी, बहुत खूबसूरत है। यार तुम्हारी एक एक चीज ना बहुत शानदार होती है, लेकिन ना मुझे एक बात नहीं समझ आती। वो क्या? वो ये कि तुम रोज इस गाड़ी में क्यों नहीं आती? एक्चुअली मुझे अपनी क्लास की चीजें ना बहुत फेक लगती हैं। मतलब एसी में रहना, गाड़ी के बगैर एक कदम नहीं चलना, इन सारी सहूलियात को हमने इतना आदि बना लिया कि इसके बगैर सांस लेना महाल हो जाता है। मैं ना फेड अप हो गई थी, कुछ चेंज चाहती थी, तो मैं चाहती थी तुम लोग की तरह बस में आऊं जाऊं, मुझे अच्छा लगता है। ना काबिले यकीन यार, जो लाइफ तुम जी रही हो ना उस सब के लिए तो हम सब ख्वाब देखते हैं, और तुम हो कि फेड अप हो गई हो। तुम लोगों ने वो क्लासिक मूवी देखी है रोमन हॉलिडे, जिसमें लड़की महल में रह के तंग आ जाती है और लोगों की नजरों से निकल के चली जाती है। फॉर गॉड सेक यार, इतना दूर मत निकल जाना कि वापसी मुश्किल हो जाए। अच्छा बस बहुत लेट हो रहे हैं हम, क्लास स्टार्ट हो गई है, हम लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। चलो चलो। ये देखें, डिजाइनर ने ड्रेस भेजा है, अच्छा लग रहा है आपको? वेरी नाइस। मैं सोच रही हूँ रिदा की मेहंदी में पहन लूंगी, क्योंकि ये कलर तो मेहंदी में ही चलेगा, है ना? कुछ कहा तुमने? क्या हुआ मामा, अभी तक गई नहीं आप? और डैड कहाँ, अभी तक आई नहीं है क्या? नहीं पहुंच रहे हैं अभी। सुनो मेरा पेंडेंट खो गया है, पूरे कमरे में देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहीं मैं तुम्हारे रूम में तो नहीं भूल आई? पेंडेंट खो गया है? वो जो डैड दुबई से लेकर आए थे आपके लिए, वो वाला? हाँ हाँ वही वाला। वहाँ कहाँ जाएगा, अभी तक तो आपने पहना भी नहीं है वो। इसी बात की तो टेंशन है कि अब देखेंगे
तुम्हारे डैड तो शायद उनको ये लगेगा कि मुझे उनका गिफ्ट पसंद नहीं आया। नहीं समझेंगे वो ऐसा। I'm sure उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आपको कुछ दिया है। नहीं बेटा, वो बहुत प्यार से लाए थे और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा, क्या करूं? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने। अभी मूड अच्छा करें, यू आर गोइंग आउट, अच्छे से जाएं, ठीक है? आप जब आ जाएंगी तो मैं आपके साथ मिलकर पूरा घर तलाश करूंगी। हम देखते हैं कहाँ पर रखा है, ठीक है? मिल जाएगा। ठीक है, शायद आ गए डैड तुम्हारे। हाँ आप जाए, मैं निकलती हूँ। फोन रखे, एंजॉय, मूड ठीक कर लें। हाँ हाँ। भाई शुक्र है कि मेरा असाइनमेंट जो है ना टाइम पे सबमिट हो गया। मेरा तो ना पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा था, पता नहीं क्या एरर आ रहा है उसमें। कभी कभी होता है। अब ये सोमा कहाँ है, आज नजर ही नहीं आई। लाइब्रेरी तो नहीं चली गई? नहीं भाई, एक्चुअली उसका मैसेज आया था कि वो नहीं आएगी। तूबा की एंगेजमेंट के लिए ना ड्रेस लेने के लिए गई हुई है वो। अरे तो एंगेजमेंट का ड्रेस वो रात में भी ले सकती थी यूनिवर्सिटी के बाद, इतनी भी क्या जल्दी थी? भाई मेरे भी ना अपने डिजाइनर को अभी इन्फॉर्म करना है। नहीं उसकी मर्जी, चली गई लेने के लिए वो। क्या बात है, क्यों इतनी चुप चुप हो? थक गई हो पढ़ पढ़ के? नहीं वो दरअसल ना मेरी सहेली की ना मंगनी है, तो वहां जाना है। तो चली जाओ, तुम्हारे अब्बू छोड़ आएंगे। नहीं नहीं, जाने का मसला नहीं है, मसला ये है कि मेरे पास ना मंगनी पे पहनने के लिए कोई सूट नहीं है और मेरी सारी दोस्तें ना डिजाइनर कपड़े पहनकर आएंगी। तुमने खूब कही। अरे बेगम साहिबा ने शांजे बीबी के कितने कपड़े तुम्हें दिए हैं ना, उनमें से पहन के चली जाओ। नहीं वो एक एक करके पहन लिए ना, अब दोबारा पहन के जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। तुम ना मुझे एक अच्छा सा सूट ला दो। कहां से ला दूं सूट, तुम्हारे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है। भाई मुझे नहीं पता, मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे जूते पहनती हूँ। अगर इस दफा नहीं पहने ना तो मेरी नाक कट जाएगी, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तुम्हें नहीं पता शांति के कपड़े पहन पहन के मैंने उन्हें ऐसे बताया जैसे मैं अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तो क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की? फिर तुम नहीं समझोगी ना, बोल दिया झूठ। मुझे चाहिए सूट बस। तुम क्यों इतनी जिद्दी हो गई हो? हाँ तुम शांति से ले लो ना। नहीं उसे नहीं मांगूंगी, अभी पिछले महीने 4 सूट दिए उन्होंने, फिर मांग लू। अच्छा ना मांगो, आप चोरी कर लेना भाई, तुम चोरी तो करती रहती हो। अच्छा ज्यादा मुसीबत पड़ गई तो मैं पहन के दे दूंगी, वापस रखाना। अबीरा भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए जोड़ा बस, वरना मैं ना पता नहीं कुछ भी कर दूंगी। चाहिए क्या हो जाता था अगर तुम उसका सूट ले आती तो उन्हें कौन सा पता चलता? तुमने कभी मेरा एहसास नहीं किया, क्यों नहीं लाई तुम सूट? दो ना।
करूंगी ना, कुछ खत्म हो गया। दिखावे के चक्कर में आज बेगम साहिबा और शानजी बीबी ने मुझे चोरी करने में रंगे हाथों पकड़ लिए। और मुझे नौकरी से निकाल तो वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं देगी। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, तुम मम्मी में जाकर क्या करोगे तुम? हाँ, इस दिखावे के चक्करों चोर की पैसों की कपड़ों की जेवर हर चीज चोरी करके लेकर आती थी सिर्फ तुम्हारे दिखावे की वजह से। कबो हंस की चाल चल के बिना चल के हंस नहीं बन सकता। इस दिखावे से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती और तभी तुम यूनिवर्सिटी जा सकोगी और हमारा मुस्तकबिल भी तबाह हो गया दिखावे की वजह से और मेरी इज्जत भी चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से।